सर जरा एक स्ट्रेट आपके सर एक बार स्ट्रेट एकदम सही है सर राइट में सर एक एकदम स्ट्रेट में आपके स्ट्रेट सर अभी एक पोस्टर सर एकदम स्ट्रेट आपके सर आपके यहाँ पे थैंक यू सर थैंक यू विदाउट पोस्टर भी कर लेंगे एक पोस्टर पोस्टर चाहिए नहीं चाहिए दिस साइड या या वो या इधर को कर देगा हेलो फिया सर यहाँ पे स्ट्रेट स्ट्रेट आपके शंकर सर यहाँ पे आपका सोलो वो 15 मिनट अगर लंबा करना है तो फिर बात नहीं करें सुन 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 अगर उसको लंबा करना है तो करेक्शन है यस कैसा फील हो रहा है लाइक टीजर तो ऑलरेडी लोगों ने इतना पसंद किया कैसा फील हो रहा है यार मुझे बढ़िया फील हो रहा है बिकॉज मेरी कोई भी फिल्म के लिए ऐसा यूनिवर्सल रिस्पांस नहीं आया और बहुत बढ़िया लगता है बिकॉज हम सब प्रेम से फिल्में बनाते हैं आई लाइक माई आई मीन आई रियली लाइक माई प्रीवियस फिल्म लाइक पिज्जा लाल रंग एंड आई थॉट दे वेरी गुड फिल्म बट फॉर वट एवर रीजन वी डेंट कट द राइट ट्रेलर वी डेंट गेट द राइट मार्केटिंग यू नो एसेट आउट देयर और हम मुझे लगता है इस फिल्म के लिए हमने सही किया है और यूनिवर्सली अच्छा बहुत बढ़िया रिस्पांस आ रहा है और इसलिए मैं खुश हूँ सब रागनी स्माइल कर रही मैं भी स्माइल कर रहा हूँ तो हम बड़े दुखी होते हैं आज हमारी हैप्पीनेस की कोई बाउंड्री नहीं है आज देखिए आज ऑफिस में ही पूरा माहौल ना इट्स सो यूफोरिक वी ऑल आर वेरी हैप्पी बिकॉज We expected it also somewhere that the trailer ka response acha mila because when I saw the trailer in the edit room and after the trailer I started clapping aur main apne kaam ke liye aise nahi karti hu I'm always critically examining whatever I watch so yeah it's been a great ride because jab aap aisi picture karte hai na to iske aapke jo challenges hote hain obstacles hote hain wo zyada hote hain तो आप इतनी स्ट्रॉन्ग जर्नी कवर करके आए हैं उसके बाद आपको जब ऑडियंस का प्यार मिलता है यू ओनली फील स्ट्रॉन्गर एवरी एक्टर वांट्स वैलिडेशन आप जितना भी बोलें कि नहीं यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल फर्क पड़ता है सबको बिकॉज आप एक्टर तभी बनते हो जब आप लोगों का वो चाहिए आपको यू वॉन्ट टू बी अप्रिशिएटेड हम खुद के लिए एक्टिंग नहीं करते मतलब समटाइम्स एक्टिंग की भी वेरी थेरेप्यूटिक एंड फील्स गुड एंड ऑल दैट बट एवरीबडी वॉन्ट्स एन ऑडियंस यू वॉन्ट एन ऑडियंस यू वॉन्ट पीपल टू अप्रिशिएट द वर्क एंड टॉक अबाउट द वर्क ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर नहीं है ना ही ये गुड़गांव शहर के ऊपर है ये पांच लोग हैं परिवार में ये परिवार की कहानी है और रिसर्च के मामले में मैंने हरियाणी सीखी इस किरदार के लिए बहुत सारा जो जो इस कैरेक्टर की जर्नी रही है तो जो जो इस कैरेक्टर ने जिया है इसके बचपन से लेके इसकी जवानी तक वो मैंने पूरा एक्सप्लोर किया एज एन एक्टर
बहुत किया मैंने, बिकॉज मेरी जो परवरिश हुई है वो बॉम्बे और अमेरिका में हुई है ज़्यादातर. तो एक तो भाषा नहीं आती थी मुझे हरियाणवी, तो उस पर मुझे बहुत काम करना पड़ा. प्लस मैं एक हंसता खेलता, एज यू कैन सी, वेरी हैप्पी आदमी हूँ, राइट, बबली पर्सन, बबली इंसान हूँ, और ये कैरेक्टर बिल्कुल उसका ऑपोजिट है. तो टू गेट इन दैट माइंड स्पेस यू रियली हैव टू डिग वेरी डीप एंड फाइंड, यू नो, आई वॉज गोइंग थ्रू सम पर्सनल एंड प्रोफेशनल इशूज एट द टाइम. तो वो आसान हो गया थोड़ा कनेक्ट करने के लिए, बिकॉज मैं था थोड़ा डार्क स्पेस में, जो अक्सर लोगों की ज़िंदगी में होता है. मेरी फिल्म नहीं चली थी और कुछ पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम चल रही थी मेरी, और दिमाग ऐसे हिल गया था थोड़ा. बट लकीली समवे द यूनिवर्स फाउंड समबडी कंस्पायर्ड एंड रागिनी सेड समथिंग टू समबडी, और इनके इन्फ्लुएंस से मैं आ गया इधर और अभी आपके बात कर रहा हूँ. और मैं बहुत खुश हूँ कि अब ट्रेलर देखा जा रहा है. और सी ही इज सच अ बबली पर्सन, आई शुड जस्ट बर्स्ट योर बबल. So I'm very, very excited. When I'm watching it's over, but I'm gonna burst his bubble all the time. That's what she's there for, to burst my bubble. That's it. It's the sound of the poop. The poop. Poop. Like, not pop. Not poop. Poop. What I get poop it. Means? You got a baby now. You should know what poop means. Oh, she's talking about my baby. No, arey yaar. Kya bol? You should know what poop is. Not because of my baby. Forget it. No, see, poop. Go ahead. Means potty. I know. So my baby does poop. That's what I'm saying. Because of my baby. That's what you're referring to. मेरा 2 महीने 3 महीने का बच्चा हुआ है अवियान. So if अवियान grows up to ever see this interview, I love you, my baby. So like it's your first debut in a big screen. So कितना अच्छा experience है to work in a big screen. It's been a great experience. बहुत बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया है. इसीलिए मेरे साथ काम किया है इसलिए. इनसे मैंने इतना सीखा है. बताओ इनसे इतना सीखा कि क्या नहीं करना चाहिए. कोई बहुत बड़ी सीख होती है मैडम. You should be lucky. So it's okay. It's very good. तो सॉरी आप कह रही थी कि Don't get witty around me. Yeah, I shouldn't. Chalo, thanks. आगे बढ़ते हैं. मैडम आपका क्या सवाल था? It's been a great experience. I got to work with Mr. Shankar Raman, who's a national award winning director and a cinematographer. Let me give you some correct answers. And honestly, अक्षय के साथ काम करने में बहुत मजा आया. पंकज जी के साथ भी काम करने में बहुत मजा आया. शालिनी वत्स है, आशीष है, आमिर बशीर है इस फिल्म में. ये सारे इतने एक्सपीरियंस थिएटर एक्टर्स हैं. तो आप जब इतने रेरिफाइड एनवायरनमेंट में काम करते हो ना, यू ऑटोमेटिकली डिलीवर योर बेस्ट. मैडम की हमने तो तारीफ तो ऐसे निकलेगी मेरी मैडम से. मैं मैडम के लिए, मैडम इतनी खूबसूरत है, मैडम इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, मैडम का जो जिस तरह बात करती है आप, मतलब शी कैन हिला के रख देगी आप. सम स्टेटमेंट्स हैव कम आउट ऑफ अमेजिंग. व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम हर इज, यू नो, देयर इज दिस सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन दैट शी मेड, यू नो, कमिंग फ्रॉम टीवी एंड द बैकग्राउंड व्हिच शी कम्स फ्रॉम. And to be able to so easily get into the world in which we were, you know, मैं जो फिल्में करता हूँ वो छोटी फिल्में होती हैं, इंडिपेंडेंट सिनेमा होता है, मैंने थिएटर किया है, और जो भी एक्टर्स नज़र आ रहे हैं आपको पोस्टर में, फ्रॉम आशीष, शालिनी एंड पंकज, बेसिकली देव ऑल डन सिमिलर काइंड ऑफ वर्क, छोटा छोटा काम कर करके बट ये बहुत बड़े शो पे थी और बहुत बड़े पैमाने पे थी. And to come into this circle and absorb and, you know, just assimilate herself so quickly, that's a huge lesson for anyone to learn, because that actually shows you how intelligent that person is. The ability to adopt and say ki, achha, ye mahol aisa hai, abhi main isko apnati hu. It's very difficult. So only she knows what she went through, but we never saw that struggle and stress. No, but honestly, koi kaam bada chota nahi hota hai. Let's be honest. Kaam kabhi bada chota nahi hota hai. Aapki soch hoti hai. So agar aap kisi ko judge kar rahe hain ki aap bada kaam kar rahe hain, chota kaam kar rahe hain, तो वो आपके बारे में ज्यादा कह रहा है rather than वो उनके बारे में क्या कह रहा है. देखो क्या तगड़ी लाइनें बोलती हैं. मैं इसको बोल रहा हूं डायलॉग राइटर बन जा. आई हैव रिटन स्क्रिप्ट्स विद माय फ्रेंड. ऑफ कोर्स यू हैव. देयर इज नथिंग यू कांट डू डार्लिंग. बट आई जेन्युइनली हैव. तुम गा सकती हो, तुम नाच सकती हो, तुम लिख सकती हो. आई कांट राइट. राइटिंग इज नॉट माय स्ट्रेंथ. Writing is not something I'm very comfortable. She's like the with. Farhan Akhtar of, like, you know, independence, you know, acting industry. No, I'm she not. She writes, she dances, she sings, she I can't acts. Write. I can sing. I've learned singing 15 years. I've learned Kathak. I've learned dance. See, he's also learned dance. He's not speaking about it. Inko bolo zyada bole nahi, inki bhi pole khulenge. He's learned ballet and what not. ये भी बहुत करा रहे नचलिया. And he also acts. ये पोस्टर का जो स्क्रिबलिंग का आइडिया वो इनका है. मेरा है. मैंने कहा निकाल दो उसको, सिर्फ लोग मुझे देखें और मुझे अटेंशन मिल गई. हाँ, तुझे अटेंशन मिल गई.
तो उल्टा हो गया, मैंने कुछ और सोच के किया था, कुछ और हो गया. सो अक्षय इज आल्सो मल्टी टैलेंटेड, इट्स जस्ट ही जस्ट लाइक्स टू मेक फन ऑफ यू. एक्चुअली क्यों है? सी दैट वी कांट टेल यू, इट्स जस्ट टू लेट यू नो कि कुछ तो होता है इसके साथ, एंड इट्स टू लेट यू नो कि कुछ तो अनबन है फैमिली में. बट सिंस इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर, हम बेटर है कि इसको थोड़ा राज की बात राज को रखें. बट रियली एट द एंड ऑफ द डे इट वाज बिकॉज़ शी इज ब्यूटीफुल एंड आई डिडंट वांट द अटेंशन ऑन हर. That's really all that happened. I wanted everyone ki nazar mere upar jaye poster mein. Because baki posters mein mujhe mera pizza mein mera peet dikhaya tha. Lal rang mein mujhe chhupa ke aise Randeep ke piche rakha tha. To main ja raha tha is poster pe na main chha raha. But you know yes, aisa mere saath bhi hamesha hota hai. Maine jab pehla show kiya tha na, mujhe laga tha I was of that mentality ki matlab crane ki entry hogi, introducing Ragini and all of that will happen. Nothing happened. My basket पटाखे फूटेंगे, रैगनी खन्ना अनाउंस हो रही है, लॉन्च हो रही है, कुछ नहीं हुआ. तो उसके बाद मेरे पोस्टर छपे भास्कर भारती के लिए, मैंने कहा चल इसमें मेरा पोस्टर लगेगा, इंट्रोड्यूसिंग रागिनी खन्ना, ये वो, कुछ नहीं हुआ. पहली फोटो जो छपी वो मेरी पीठ की छपी. भास्कर भारती वाज अबाउट माय बैक एंड देन दे पुट द फेस. सो देयर वाज लाइक अ थ्री सीरीज ऑफ पोस्टर्स. सो आई हैव वर्कड विद सच पीपल हु ऑलवेज बिलीव इन रियल सिनेमा. तो रियलिटी में तो क्रेन नहीं चलनी आपके ऊपर, ना जिब लगना है. तो हमेशा मैं एक नॉर्मल इंसान की बट वो बैकग्राउंड मेरे दिमाग में चल रहा होता है. मैं अपने आपको खुश कर लेती हूँ वो क्रेन चला के, जिप चला के, वो ढड़े ढड़े मेरे खुद को खुश कर. सो व्हाट वाज योर फैमिली?